हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियोस में। आज हम लोग यूट्यूब पर लाइव कर रहे थे तो आज आपको ट्रेड करने में मजा आया होगा, जहां पर हमने जो है बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हंटिंग मोमेंटम को हमने ट्रेड किया था। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, तो मैंने इसमें एक स्टॉप लॉस हंटिंग पर हमने ट्रेड किया था। हमने यहां पर 48,000 के पुट ऑप्शन को राइट किया था और इसके बाद एक कॉल ऑप्शन भी बाई किया था। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा हमें स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिला था। हम लोग लाइव मार्केट में थे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर मार्केट जो है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना करके इस तरीके से अगर मूव करता है तो तीसरी बार जब टच करने आएगा तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल हमारे थे, पहला था हमारा 47,500 का, दूसरा हमारा लेवल था 47,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या प्रोजेक्शन बना करके मार्केट जो है मूव करेगा उसके ऊपर डिपेंड था कि किस साइड में स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाला है। तो बैंक निफ्टी में हमें एक बेहतरीन स्टॉप लॉस हंटिंग मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे निफ्टी में हमने आपको बताया था कि फेक ब्रेकडाउन हुआ है, जहां पर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वहां पर हमने एक रिवर्सल आइडेंटिफाई किया। ठीक है, और एक बेहतरीन हमें एक बुलिश ट्रेड मिला वहां पर, तो बहुत लोगों ने आज प्रॉफिट किया, बहुत मजा आया होगा आपको भी, कमेंट करके बताना आज अगर आप लोग लाइव थे। तो चलिए देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी का जो है हमारा वीकली एक्सपायरी है, तो कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और क्या साइकोलॉजी रहेगी मार्केट में। कल मैं लाइव नहीं आऊंगा यूट्यूब पर, क्योंकि कल मैं गूगल मीट पे लाइव रहूंगा अपने स्टूडेंट के साथ में। तो आज एनालिसिस आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि कल भी ट्रैपिंग होने वाली है और वो ट्रैपिंग जो रहेगी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो किन किन लेवल पे ट्रैपिंग हो सकती है सारे लेवल मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी को एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको सारे लेवल्स यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में पहुँचते हैं और इस तरीके के यहाँ पर हमारा जो सप्लाई जोन है और हमारा जो डिमांड जोन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी ने टच किया है, ये हमारे लिए क्या है, एक सप्लाई एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई जोन। ठीक है, और हमारे लिए यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है, जो यहाँ पर लो लग रहा है इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। अब डिमांड जोन से आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर लो लगाया, वापस नया लो नहीं लगाया, फिर से लो नहीं लगाया, तो यहां से जो कंट्रोलिंग हो रही है बायर्स का मार्केट में कंट्रोलिंग हमें दिख रहा है, क्योंकि सपोर्ट यहां पर शिफ्ट होता चला जा रहा है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है, डेली टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज समझना, हमने पहले ही जो है बहुत सारे लाइव ट्रेड में किए हैं और बहुत सारे एनालिसिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कोर्स में भी डिस्कस किया है, कि जब भी मार्केट अगर जो है रेजिस्टेंस सेम रखने की कोशिश करेगा और सपोर्ट की शिफ्टिंग लगातार यहां पर करता रहेगा तो यहां पर साइकोलॉजी क्या होगी, ठीक है, एक बड़े प्लेयर की और एक जो है रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या रहेगी उसको समझिए। तो देखिए, जो भी रिटेल ट्रेडर रहेगा इस सेलिंग को अगर मिस किया है तो अगर मार्केट फिर से यहीं पर आएगा, फिर से यहीं पर आएगा, फिर से यहीं पर आएगा, तो एक रिटेल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी रहेगी कि मार्केट फिर से वापस इस सप्लाई जोन से नीचे की साइड में आएगा और यहां पर एक रिटेल ट्रेडर सेलिंग के पोजीशन क्रिएट करना शुरू करेगा। ये बात स्मार्ट मनी जानता है, इसीलिए देखिए मार्केट यहां पर सपोर्ट की शिफ्टिंग लगातार कर रहा है ट्रेंड लाइन के जरिए, तो हमें भी जो है बायर्स के कंट्रोल में आकर के मार्केट को ट्रेड करना है। तो जब इसके ऊपर से यहां पर सेलिंग करेगा रिटेल ट्रेडर तो एसएल कहां लगाएगा, ऊपर लगाएगा, और मार्केट में यहां पर जहां पर लिक्विडिटी रहती है मार्केट उधर ही मूव करता है, तो इसके ऊपर बाइंग साइड की लिक्विडिटी यहां पर ऑटोमेटिक बनी हुई है, तो इसके ऊपर हमें मोमेंटम दिखेगा आने वाले टाइम में। अभी जो जब तक चुनाव हो जाएगा, फिर चुनाव के बाद तक हमें हो सकता है बैंक निफ्टी 50,000 भी जो है क्रॉस कर जाए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सेलर को मार्केट हो सकता है बैठा है। तो ये साइकोलॉजी बनाकर रखना है आपको कि यहां पर हमको सेलिंग के लिए नहीं देखना है, या तो मार्केट ट्रैप करके रिवर्स करे तब सेलिंग के लिए देखेंगे, या फिर यहां पर कोई प्रोजेक्शन बनाए तब हम देखेंगे, या फिर नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको ब्रेकडाउन करे तब हम सेलिंग के लिए देखेंगे। तो पूरा जो हमारा माइंडसेट रहेगा बैंक निफ्टी में, हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को सोचना है, हर सपोर्ट आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी। ठीक है, जो भी सपोर्ट बनेगा वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा और वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक सपोर्ट लाइन लेते हैं और इस सपोर्ट लाइन को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी में अपसाइड के मोमेंटम के लिए। तो हमने यहां पर एक सपोर्ट लिया और इसको इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक है, इसको आगे साइन बढ़ा देंगे और ये पूरा हमारा एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, हमने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट ले लिया है, डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंडिंग सपोर्ट ले लिया है। ये सारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हैं जो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये छोटे लेवल के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो आज के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था, एक जो है मार्केट टाइम के करेक्शन में था और टाइम के करेक्शन को कंप्लीट करते हुए स्टॉप लॉस हंटिंग किया है इंटरडे के लेवल पे आज के एक्सपायरी से एक दिन पहले। और ये चीज़ हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी से एक दिन पहले जरूर एक बढ़िया मोमेंटम देगा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला और प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बहुत लोग जो है लाइव में पूछ रहे थे कि
आप फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो ये हमारा एक सीक्रेट जो है स्ट्रेटजी है जिसके जरिए हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने पहले लाइव बताया कि भाई लाइव में या फिर वीडियो के जरिए जो है हम आपको कभी भी ये सीक्रेट नहीं बता सकते। वजह इसके पीछे यही है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी यहाँ पर मोमेंटम होता है चार्ट पर, ये ट्रेडर के सोच की वजह से होता है। ट्रेडर जो सोचेगा वही यहाँ पर जो है क्रिएट होगा, चार्ट बनेगा। सोच मतलब साइकोलॉजी, ठीक है। अगर हर ट्रेडर एक जैसा यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर देगा तो जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी मार्केट की और सारी स्ट्रेटजी फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके जरिए जो है हम ज़्यादातर वीडियोस के माध्यम से नहीं बता सकते, अपने स्टूडेंट को ही हम बता पाते हैं। अभी तक हमने लगभग 250 स्टूडेंट को बता दिया है कि इस जो है फेक ब्रेकआउट और ट्रैप आइडेंटिफाई को आप किस तरीके से सीख सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि मैक्सिमम हम जो है 1000 लोगों को बता सकते हैं। तो अभी हमने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप जो है फॉर्म मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप भर देना अगर आपको ज्वाइन करना है। तो उसमें आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1 साल का रहेगा। आप हमारे साथ जो है ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे साथ आ सकते हो 1 हफ्ते के लिए, हमारे पास हमारे साथ बैठ के ट्रेनिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी सुविधा मिलेगी आपको और जल्दी जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। पहले फॉर्म भर के रखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि अब हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि स्टॉप लॉस हंटिंग जब होने वाला होता है तो मार्केट में इस तरीके से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिलता है और यहाँ पर तीसरी बार जब मार्केट में बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग का, ठीक है। लेकिन ये आइडिया होना चाहिए, कभी कभी ये भी फेल होता है तो हमें यहाँ पर फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन जो है आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और ओवाई डेटा को जो है लाइव मार्केट में रीड करने आना चाहिए। इन सभी के कॉम्बिनेशन से आप इसी जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए कल की एक्सपायरी को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में उसको हम समझ लेते हैं। और हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट लेवल ये है, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे से आप देखिए यही सपोर्ट है जहां से बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था इसको हम रिमूव कर देंगे, नीचे हम एक सपोर्ट लाइन को लेंगे यहां पर। तो चलिए इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमें यहां पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम जो है कल के एक्सपायरी में इसी जो है मोमेंटम को ट्रेड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको एक मिलाते हैं, ठीक है। एक ये पैटर्न बनेगा, इसी पैटर्न को कल आपको ट्रेड करना है और छोटा करेंगे तो ऊपर आपका सप्लाई जोन और नीचे आपका जो है एक हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ध्यान देना ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, हमको इसमें नो ट्रेडिंग जोन करना है, ठीक है। नीचे की साइड में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 47,000 का, ठीक है। ऊपर के साइड में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000 का। दोनों लगभग लगभग सेम पॉइंट पर हैं क्योंकि बैंक निफ्टी कहां रुका हुआ है 47,000, ठीक है, 582 के आसपास। तो ऊपर भी उतना ही साइकोलॉजिकल लेवल जा रहा है, नीचे भी उतना ही साइकोलॉजिकल लेवल जा रहा है 47,000 का। तो ऊपर नीचे दोनों साइड में हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है और इन दोनों साइड में जो है स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाला है। अब ये पैटर्न जो है न्यूट्रल पैटर्न हमें बताने वाला है कि मार्केट 48,000 को क्रॉस करने वाला है या फिर 47,000 को ब्रेक करने वाला है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोलिंग चल रहा है पहले से बायर्स का, ये हमें जो है कल के मार्केट में जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो आपको कैसे काम करना है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करता है तो वेट करना ब्रेकआउट का और ये गुड ब्रेकआउट पे हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करना है। और हर कोई जो है हर रेजिस्टेंस पर सेल करने की कोशिश करेगा, 48,000 तक अपने पोजीशन को एवरेज करेगा साइकोलॉजी के अनुसार, 48,000 का जो कि ब्रेक करेगा प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट साइडवेज होकर के क्लोज हो जाएगा। ये डायरेक्शन हम जो है एक्सपायरी वाले दिन देख सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन करता है गुड ब्रेकडाउन पे हम लोग जो है डाउन साइड में जाएंगे, हर सपोर्ट पे लोगों के स्टॉप लॉस लगेंगे और मार्केट सेल ऑन राइज फॉर्म पे काम करेगा। आपको हर रेजिस्टेंस पर सेलिंग के पोजीशन क्रिएट करना है, 47,000 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके लोगों को बाहर निकाल देगा, बहुत लोग लॉस बुक करेंगे और इस तरीके के मोमेंटम देकर के साइडवेज क्लोज कर जाएगा मार्केट। ये डायरेक्शन होगा, अगर फ्लैट ओपनिंग होते ही अगर फेक ब्रेकआउट किया तो मार्केट रिवर्स करेगा, अगर फेक ब्रेकडाउन किया तो मार्केट ऊपर के साइड रिवर्स करेगा। तो इस लेवल पे जो है ट्रैपिंग होने वाली है इन दोनों लाइनों के बीच में, इसको ध्यान से देना, ठीक है। अगर गैप ओपन हो गया तो क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर अगर हम 15 मिनट सस्टेन कर गए तो हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यही लाइन रहेगा, इसके नीचे की क्लोजिंग का रहेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो क्या करेंगे, हम 15 मिनट सस्टेन करेंगे, सेल ऑन राइज फॉर्म पर काम करेंगे, हर रेजिस्टेंस पर हम सेलिंग करेंगे और टारगेट हमारा रहेगा पहला 47,000 का, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, ये सपोर्ट लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। अगर यहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में जो है बड़ा गैप ओपन होते हैं या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम नज़दीकी रेजिस्टेंस और नज़दीकी सपोर्ट को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए नज़दीकी रेजिस्टेंस 48,000 रहेगा, यहाँ पर हमारे लिए नज़दीकी रेजिस्टेंस पहला 47,200 का रहेगा, इसके बाद फिर ठीक है यहाँ पर 46,800 का रहेगा। 47,000 का नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम यहाँ पर 46,800 का सपोर्ट लेंगे, इसके बाद 47,200 का सपोर्ट लेंगे। अगर हम बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं तो नज़दीकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको फाइंड करना है, वहाँ पर प्राइज एक्शन क्या बन रहा है और इसके बाद लाइव मार्केट में ऑप्शन
का डेटा क्या बन रहा है, इन दोनों को मिला करके आपको डायरेक्शन मिलेगा, उसी डायरेक्शन के क्या आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इस तरीके की प्लानिंग रहेगी। यहाँ हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा अभी सपोर्ट है, इसके नीचे हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये S2 हो गया, S1 हो गया ये। तो इस तरीके की प्लानिंग करना है बैंक निफ्टी में, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो इधर आते हैं। निफ्टी में जो है यहाँ पर हमने एक लाइव मार्केट में एक फेक ब्रेकडाउन मतलब एक रिवर्सल आइडेंटिफाई किया था। वो ठीक है, वो कैसे किया था, मार्केट जब यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारे लिए जो है एक रिवर्सल मिल जाता है। ये बहुत बड़ा मार्केट ट्रैप क्लियर करता है। ऑलरेडी यहाँ पर लोग ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने आपको लेवल बताया था कि 22,300 ठीक है 10 के लेवल से, इस लेवल से ही अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो हमें एक बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा, और ये मोमेंटम को बहुत लोगों ने ट्रेड किया और बहुत सारा प्रॉफिट बनाया। तो अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन में हमें निफ्टी 50 में किस तरीके से काम करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे इसको। एक घंटे के चार्ट पे आते हैं और एक घंटे के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ठीक है क्या एक्टिविटी हो रही है। तो नीचे से हमारे लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जा रहा है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये लेते हैं ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब एक घंटे के चार्ट पे यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी 50 में ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इंपल्सिव वेव बनाने के बाद इसी रेजिस्टेंस पर घूम रहा है। तो क्या हो सकता है, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल किए हों और स्टॉप लॉस ऊपर लगाए हों। तो जब SL ऊपर लगेगा तो यहाँ पर बाइंग साइड की लिक्विडिटी है, तो मार्केट चांसेस ज़्यादा है कि इनके स्टॉप लॉस को हिट करके एक इसी तरीके से मोमेंटम को आगे प्ले कर सकता है। ठीक है, हो सकता है अगर यहाँ से अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो स्टैंड लाइन तक मिलेगा हमें, तो मार्केट ब्रेकआउट करके नया ट्रेंड कंटिन्यू जो है ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा या फिर ट्रेंड चेंज करेगा, रिवर्सल मिलेगा आपको। इसको समझने के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इस टाइम फ्रेम पे जो है हमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन रहेगा वो कौन सा लाइन रहेगा, ठीक है इसको लेते हैं, इसमें नहीं है, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन लेते हैं, इस लाइन को हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट लाइन हो गया, थोड़ा सा नीचे लेंगे ये। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, ये रेंज रहेगा हमारा कल के ठीक है ट्रेडिंग सेशन के लिए या फिर जो भी आपकी एक्सपायरी आ रही है निफ्टी के लिए। ये रजिस्टेंस, ये सपोर्ट, फ्लैट ओपनिंग हुआ, मार्केट रजिस्टेंस पर फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ सकता है पहला, मार्केट इसी रजिस्टेंस से ब्रिज प्रोजेक्शन बना करके नीचे आ सकता है दूसरा, मार्केट इसी रेजिस्टेंस को गुड ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। ये तीन चीज़ होने वाले हैं कल के मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग करते ही अगर ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा तो। अब आपको काम कैसे करना है, हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। ठीक है, कैसे इंतज़ार करेंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग होते ही इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और तीन बार सपोर्ट बना लिया यहाँ पर, तो 100% यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी में आज मोमेंटम मिला था, हमको एक रिस्क लेने के यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम इसका SL लेंगे और इस तरीके के डायरेक्शन को ट्रेड करेंगे। अगर हो सकता है कि यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे तो हम इस रेंज को ट्रेड करेंगे, ऊपर ब्रेक करेगा तब रिटेस्ट पर ट्रेड करेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तब यहाँ पर रिटेस्ट पर ट्रेड करेंगे, इस तरीके से हमें रेंज को देखना है। हो सकता है फ्लैट ओपनिंग होते ही नीचे की साइड में आए, यहाँ पर ठीक है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दे तब ब्रेकडाउन करे, तो इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर हमको जो है SL लेकर के सेलिंग के पोजीशन क्रिएट करना है, टारगेट हमको ये ट्रेंड लाइन रखना है। हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग होते ही यहाँ धीरे धीरे यहीं पे घूमता रहे, एक साइडवेज रेंज बना ले, रेंज को जब तक नीचे नहीं निकालेगा तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक इस रेंज को ऊपर निकालेगा तो यहाँ पर हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे, तो यहाँ अगर रेंज मिलेगी इस रेंज को ट्रेड करेंगे। तो कुल मिला जुला करके हम जो है निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड करने वाले हैं, ब्रेकआउट पर बाय और डिप की स्ट्रेटजी, ब्रेकडाउन पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी, टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टारगेट आपको नहीं पता है तो आपको ट्रेलिंग सिस्टम का यूज करना है। अगर हम गैप ओपन होते हैं तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, आधे घंटे सस्टेन करेंगे यहाँ पर तो बाय और डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। गैप डाउन ओपन होते हैं तो हमारे लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, आधे घंटे सस्टेन करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। बड़ा गैप ओपन हो गया, ठीक है, तो हम लोग निफ्टी में 200 प्लस गैप अप, निफ्टी में 200 माइनस गैप डाउन, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, नज़दीकी रेजिस्टेंस और नज़दीकी सपोर्ट को फाइंड करते हैं, वहाँ पर प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। तो हमारे लिए नज़दीकी सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन रहेगा, ऊपर हमको नहीं पता है तो कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, इस तरीके की प्लानिंग रहेगी निफ्टी 50 में, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो कैसा लगा आपको एनालिसिस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आप लोग कमेंट किया करिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उसको ऊपर बना के आपको जो है अपलोड करेंगे। अभी मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तीसरा पार्ट, ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको मैं जल्दी अपलोड करके दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।